हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही बिहार कुकिंग में। तो आज हम नेनुआ का सब्जी लेके आए हैं, चना दाल के साथ बनाकर आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम 3 प्याज कट कर लिए थे, 2 हरी मिर्च भी कट कर लिए हैं और हम नेनुआ भी कटिंग कर लिए हैं। बहुत आदमी इसे तोरी के नाम से भी जानते होंगे, हम इसे नेनुआ ही जानते हैं, नेनुआ ही बोलते हैं। तो देखिए, नेनुआ का सब्जी बनाकर आप लोगों को हम दिखाते हैं बहुत ही सिंपल तरीका में और बहुत ही टेस्टी बनता है इस टाइप का नेनुआ का सब्जी। तो आप लोग अपने घरों में एक बार इस टाइप का सब्जी बनाकर ज़रूर खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। हम जो भी रेसिपी लाते हैं वो बिल्कुल बिहारी स्टाइल में रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन काट लीजिएगा, जैसा डिज़ाइन आप रखना चाहती हैं। हम तो इसी टाइप से रखे हैं, तो आप लोग भी जैसा डिज़ाइन चाहती हैं आप उस डिज़ाइन से आप नेनुआ को काट लीजिएगा। तो चलिए, हम कढ़ाई गरम मेरा हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तेल भी हम ऐड कर लिए हैं, जीरा भी ऐड कर लिए हैं। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो देखिए, प्याज और हरी मिर्च हम एक ही साथ ऐड किए हैं, नहीं तो अगर पहले मिर्ची देता तो उड़ने का डर रहता है। तो हम एक ही साथ ऐड कर लिए हैं, तो इसे हम थोड़ा सा लाल कर लेंगे, उसके बाद हम नेनुआ डालेंगे। इधर हम चना दाल 3-4 घंटा पहले ही पानी में भिंगो दिए थे। तो देखिए, चना दाल मेरा फूल कर तैयार हो चुका है, इसे हम नेनुआ में ही डालेंगे। तो आप लोग आप देख सकते हैं, आप भी 3-4 घंटा पहले ही चना दाल फुला लीजिएगा, उससे होगा कि सब्जी में कच्चापन नहीं रहेगा, दाल बहुत ही अच्छा से सीझ जाएगा, नहीं तो आपको टाइम लगेगा सिझाने में। जितना अच्छा आपका दाल फुला रहेगा उतना ही अच्छा सब्जी बनकर तैयार हो जाएगा। तो दाल को आप लोग अच्छे से फुला लीजिएगा, जैसे सुबह में सब्जी बनाना है तो रात में ही भिगोने के लिए दाल रख दीजिएगा, जिससे सब्जी बनाने में आपको टाइम नहीं लगे, बहुत ही जल्दी से सब्जी बन जाए। तो देखिए, इसमें हम नेनुआ भी ऐड कर लिए हैं, अब इसे हम अच्छे से चलाएंगे, चलाकर आप लोगों को हम दिखाते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप वीडियो में बने रहिए, मेरा पूरा वीडियो आप लोग देखिए। आप लोग से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करके सपोर्ट कीजिए हमें। हम बहुत ही मेहनत से वीडियो लाते हैं, कुछ नया ही लाते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखिए, हमारा चना दाल इसमें हम ऐड कर लिए हैं और अच्छे से हम इसको चला कर भी आपको दिखाते हैं। आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, नहीं है आपके पास चाट मसाला तो आप इसमें मैगी मसाला भी डालकर बना सकते हैं। तो एक बार मैगी मसाला भी बनाकर ट्राई कीजिए, मैगी मसाला वाला भी नेनुआ बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे तो मैगी खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, हमारा सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप हमारा सब्जी टेस्ट करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा सब्जी कैसा लगा। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।